सिक्स स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट वन चैप्टर नाइन एच सी एफ एंड एन सी एफ इसमें अपन सबसे पहले डिवाइजर एंड डिविडेंट देख लेते हैं क्या होता है मैंने अभी एक नंबर थर्टी सिक्स को फोर से डिवाइड कर दिए ठीक है सो फोर जो रहेगा वो रहेगा डिविजर डिवाइजर एंड जिससे अपने जिसको डिवाइड किया गया है वो है डिविडेंट एंड जो आंसर आएगा वो है क्वेश्चन और जो नीचे बच रहा है माइनस डिवाइड करने के बाद वो है रिमाइंडर तो यहाँ पे अपन एक डिवीज़न देखा है यहाँ पर भी एक डिवीज़न लिखा है इसमें है नाइन डिवाइजेड सिक्सटी फाइव डिविडेंट सेवन क्वेश्चन एंड जीरो टू मतलब भी टू रिमाइंडर पर इसके अंदर टू बच रहा है इसके अंदर कुछ नहीं ज़ीरो आ रहा है मतलब भी ये परफेक्ट डिवीजन है बट ये परफेक्ट नहीं है ठीक है अब अपन फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट देखते थर्टी सिक्स के फैक्टर्स फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पहले तो अपने को हर नंबर को थर्टी सिक्स से डिवाइड करके देखना है क्या मतलब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सो so वन तो दोनों से होगा वन सभी नंबर से डिवाइड होता है सो वन आएगा देन थर्टी सिक्स से टू येस टू डिवाइड होता है थर्टी सिक्स से देन थ्री भी होता है फोर भी होता है जैसे यहाँ पे ये जो दो डिवीजन दिख रहे हैं इसमें ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है ठीक है बट इसमें रिमेंडर तो जीरो बच रहा है इसमें कुछ बच नंबर बच रहा है टू बच रहा है तो अपने को ऐसा डिवाइड परफेक्ट डिवाइड होना इसमें जीरो रिमाइंडर आए इसी को फैक्टर्स मतलब उसी नंबर्स के फैक्टर्स लिखे जाएंगे सो so, थ्री फोर ठीक है सिक्स से भी जाता है नाइन से जाता है ट्वेल्थ से जाता है एटीन से जाता है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स तो जाएंगा क्योंकि थर्टी सिक्स के टेबल में थर्टी सिक्स आता है देन फोर्टी एट के देखते हैं वन टू थ्री से जाता है फोर से देन सिक्स से एट से ट्वेल्थ से सिक्सटीन से ट्वेंटी फोर से देन फोटी एट से तो एच सी एफ क्या होता है एच सी एफ मतलब ये होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ही टू फाइंड द हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर वी मेक अ लिस्ट ऑफ़ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ़ द कॉमन फैक्टर्स मतलब अपने को सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी फैक्टर्स की एंड उसमें से देखना है कि उस दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों लिस्ट में से कॉमन फैक्टर्स कौन से कौन से हैं वन है टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व ठीक है two, three, four, six, twelve, ये जो है ट्वेल्थ तक ये कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं अपने को बट अपने को क्या पूछा है एच सी एफ ही मतलब है हाइस्ट तो ये कॉमन फैक्टर्स में से हाइस्ट नंबर मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है सो ट्वेल्व so बाकी सबसे बड़ा नंबर है ट्वेल्व तो so जो उस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर रहेगा और कॉमन रहेगा वो हो जाएगा एच सी एफ़ ऑफ दैट नंबर सो ट्वेल्व आएगा आंसर थर्टी सिक्स और फोर्टी एट के एच सी एफ हो जाएगा ट्वेल्व तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है एच सी एफ नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है मतलब भी जितने मल्टीपल्स रहेंगे उसमें से सबसे लोएस्ट कॉमन वाले कॉमन में से लोएस्ट वाला वैल्यू सो अब एग्जांपल देखते हैं नाइन एंड फिफ्टीन नाइन एंड फिफ्टीन का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन नाइन के मल्टीपल्स एंड फिफ्टीन के मल्टीपल्स लिख लेंगे मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे नाइन का टेबल एंड फ़िफ्टीन का टेबल ठीक है नाइन वन जो नाइन नाइन टू ज़र एटीन नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन नाइन फोर ज़र थर्टी सिक्स नाइन फाइव ज़र फोर्टी फाइव नाइन सिक्स ज़रा फिफ्टी फोर नाइन सेवन ज़र सिक्सटी थ्री नाइन एट ज़र सेवेंटी टू नाइन नाइन जो एटी वन नाइन टेन जो नाइन्टी आप और आगे भी लिख सकते हो देन फिफ्टीन का टेबल लिखेंगे ठीक है फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी सेवेंटी फाइव नाइन्टी वन ज़ीरो फाइव और आगे तक भी लिख सकते पर अपने को एक दोनों भी के भी टेबल्स कब तक लिखना है जब तक अपने को कोई कॉमन वैल्यूज़ नहीं मिल जाती दोनों भी इस लाइन में जैसे यहाँ पे अपने को फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव सेम दिख रहा है एंड नाइन्टी एंड नाइन्टी सेम दिख रहा है ठीक है सो नीचे में अपन क्या लिख लेंगे जैसे पे लिखा है कॉमन मल्टीपल ऑफ नाइन एंड फिफ्टीन क्या है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टीन नाइन्टी सो फोटी फाइव एंड नाइन्टी अभी दो नंबर अपने को दिख रहे हैं कि वो लिस्ट में कॉमन है पर एल क्या हो सकता है दोनों में से एल का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब भी जो कब सबसे कम कॉमन मल, uh, वाला मल्टीपल होगा वो तो फोर्टी फाइव नाइन्टी में से सबसे छोटा कौन सा है फोर्टी फाइव तो आंसर आएगा फोर्टी फाइव एलसीएम की वैल्यू क्या आई है फोर्टी फाइव तो इसी टाइप से अपन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे सिर्फ ये याद रखना है कि इसका मल्टीपल निकालने के अपने को नाइन और जैसे जो भी नंबर गिवन है तब तक निकालने का जब तक तो कोई सेम वैल्यूज नहीं मिल जाती तब तक अपने को निकालना है ठीक है और फाइनल आंसर लिखेंगे अपन द एल सी एम इज़ फोर्टी फाइव एंड इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहाँ पे जाके आप ना देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व है